दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, स्वागत है आप सभी का ट्रेनिंग टॉपिक ज्ञान में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक पोको M3 डिवाइस का यूजर हैं तो क्या आपके मोबाइल में एक न्यू अपडेट जो कि MIUI 12.0.10 का स्टेबल अपडेट आपके मोबाइल में देखने के लिए मिला। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरी डिटेल में, और अपने मोबाइल में अपडेट भी करूंगा और आपको इसमें क्या न्यू फीचर देखने को मिला उस अपडेट के बारे में भी पूरी डिटेल में बता दूंगा और आपको अपडेट करके लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप भी एक पोको M3 डिवाइस का यूजर हैं, क्या आपके मोबाइल में ये अपडेट आया या नहीं आया? अगर आपके मोबाइल में ये अपडेट आया तो आपको इसमें क्या न्यू फीचर देखने को मिला, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं इस अपडेट को करके। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए ज्यादा देर में आपके लिए आज की वीडियो आपको करना क्या, आपको अपने पोको M3 डिवाइस को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको सिंपली करना क्या, आपको सिंपली इस टाइप से सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको फाइनली करना क्या, आपको यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं अबाउट फोन, आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट फोन के पास में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपडेट का ऑप्शन आ गया। अगर आपके मोबाइल में अपडेट न्यू अपडेट आया होगा तो आपको भी यहाँ पे अपडेट लिखा गया होगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। फाइनली आपको करना क्या, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कौन सी अपडेट पहले देखने के लिए मिला था। जैसे आप देख सकते हैं MI वर्जन पे आप MIUI ग्लोबल MIUI 12.0.8 का स्टेबल अपडेट आपको मोबाइल में देखने के लिए मिला है, लेकिन अभी जो अपडेट आया है वो MIUI 0.10.0 का स्टेबल अपडेट आया है। इसमें आपको बहुत से न्यू फीचर देखने को मिला। चलो दोस्तों, आपको अपडेट करने के लिए फाइनली आपको करना क्या है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ देखिए दोस्तों आपको चेकिंग होकर जो भी अपडेट आपके मोबाइल में आया है उस अपडेट का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने इस अपडेट को नहीं किया या कर लिया तो इसमें आपको क्या न्यू फीचर देखने को मिला, ये अपडेट कितना MB का ये अपडेट है, अपडेट सही है या गलत है, पूरी डिटेल में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपडेट करके दिखाता हूं इसमें क्या न्यू फीचर देखने के लिए मिला। तो फाइनली दोस्तों आप यहां डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको डाउनलोड होने लगेगा। इस टाइप से दोस्तों आपको यहां पे A to Z 100% डाउनलोड हो जाएगा, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक जो है कि ये अपडेट आपके मोबाइल में हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये अपडेट हो रहा है, तो अपडेट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं कि इसमें क्या क्या न्यू फीचर देखने के लिए मिला है। अपडेट कर रहे आपको क्या न्यू फीचर देखने को मिला, अपडेट सही है गलत है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सभी व्यूवर्स को भी पता चल जाए। तो फाइनली गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए और उसमें आपको A to Z इंफॉर्मेशन इस अपडेट के बारे में पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।